2.4 आयनीकरण आयोनाइजेशन अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया। स्वीडन के वैज्ञानिक आरेनियस ने सन 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षारों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन H+ चार्ज तथा एक ऋणावेशित आयन में वियोजित होता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड आयन OH- चार्ज और एक धनावेशित आयन में वियोजित होता है। ये आयन उपरोक्त क्रियाकलाप 6 में विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी हैं। H2SO4 इज इक्वल टू ट्वाइस H+ चार्ज प्लस SO4 2- चार्ज। CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू Ca++ चार्ज प्लस ट्वाइस OH- चार्ज। आयनीकरण आयोनाइजेशन मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। स्वांते ऑगस्ट आरेनियस 1859 से 1927 वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जलीय विलयनों में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझाया। उन्होंने सुझाव दिया कि आयनिक पदार्थ जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को H+ आयन तथा OH- आयन के बनने के आधार पर समझाया। उन्हें सन 1903 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया।